डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, एक नया चैप्टर जिसका नाम है सुपर कंडक्टिविटी। इसमें हम देखेंगे सुपर कंडक्टिविटी, सुपर कंडक्टर्स, इनकी एप्लीकेशन, इनके फीचर्स, और हम ये सुपर कंडक्टिविटी कैसे अटेन कर सकते हैं वो सब चीज़ें देखेंगे, और ये सुपर कंडक्टर्स गुड कंडक्टर्स से कैसे डिफरेंट रहते हैं, यानी इनमें और सिंपल या नॉर्मल कंडक्टर्स में क्या डिफरेंस है वो भी देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सुपर कंडक्टर क्या रहता है। सुपर कंडक्टर का मतलब रहता है वो सब्सटेंस या वो कंडक्टर जिसमें जीरो रेजिस्टेंस टू इलेक्ट्रिकल करंट हो, यानी जिसमें इलेक्ट्रिकल करंट फ्लो हो विदाउट एनी रेजिस्टेंस, जिसमें कुछ भी रेजिस्टेंस ना हो। हमारे पास में देखो, सबसे पहले मैं बताता हूँ, हमारे पास में गुड कंडक्टर्स रहते हैं। गुड कंडक्टर्स जैसे मेटल्स हैं हमारे पास में, और इनमें सबसे अच्छा कंडक्टर मेटल्स में माना जाता है सिल्वर या कॉपर है, हमारे पास में गोल्ड है, दीज आर गुड कंडक्टर्स। लेकिन ये सुपर कंडक्टर्स नहीं है, चाहे सिल्वर हो, कॉपर हो या गोल्ड हो, इनको हम गुड कंडक्टर्स कहते हैं लेकिन सुपर कंडक्टर्स नहीं कहते। ठीक, अगर मैं एक मेटल क्रिस्टल बनाता हूँ, मेटल का क्रिस्टल बनाता हूँ, तो मैं कहता हूँ कि मेटल्स बने रहते हैं पॉजिटिव कर्नेल्स के, जिनको मेटल कर्नेल्स कहते हैं, और इनके सराउंडिंग में रहते हैं सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन सी मॉडल आपने पढ़ा होगा। ठीक है, या मैं कहूँगा कि दीज आर कंस्टिट्यूएंट कोर मेटल्स और इनमें रहते हैं इलेक्ट्रॉन्स, इस तरह सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, राइट। अगर हम इस मेटल पीस पे या मेटल क्रिस्टल पे वोल्टेज लगाते हैं, सपोज ये है पॉजिटिव या नेगेटिव, तो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होंगे फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, यानी इस यहाँ से यहाँ फ्लो होंगे। ठीक, फ्लो होने से क्या होता है, यहाँ से करंट फ्लो होगी। अब देखो, अगर करंट फ्लो हो रही है तो इसमें करंट फ्लो होने के दौरान इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन भी है यहाँ पे, और आपको मालूम है कि जीरो केल्विन के ऊपर जो भी सॉलिड्स रहते हैं उनमें वाइब्रेशनल मोशन रहती है, उनके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स वाइब्रेट करते रहते हैं। मान लीजिए ये एक कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है, ये वाइब्रेट कर रहा है ऊपर नीचे, उससे क्या होगा, उससे ये इलेक्ट्रॉन फ्लो जो यहाँ पे हो रहा है इसमें रुकावट पैदा होगी, वो रुकावट जो है वही कहलाता है रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस। अब ये रुकावट कैसे कम कर सकते हैं, हम कम कर सकते हैं अगर हम यहाँ पे इन मेटल्स को रोक के रखें, इन कर्नेल्स को, इन मेटल आयन्स को यहाँ पे रोक के रखें, इनको वाइब्रेट ना होने दें, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स वाइब्रेट ना हो। तो वाइब्रेशन रोकने के लिए क्या करते हैं, हम टेम्परेचर कम करते हैं, यानी जो वाइब्रेशनल मोशन है, वाइब्रेशनल मोशन दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, अगर आप टेम्परेचर कम कर देंगे तो ये इनकी जो वाइब्रेशन है ऊपर नीचे वो कम हो जाएगी, वो कम हो जाएगी तो इलेक्ट्रॉन्स इजीली फ्लो कर सकते हैं, ऐसा मेटल्स में होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि वाइब्रेशनल मोशन ज़्यादा है जब टेम्परेचर ज़्यादा है, तो वाइब्रेशनल मोशन ज़्यादा है तो इसका मतलब रेजिस्टेंस ज़्यादा है, रेजिस्टेंस ज़्यादा है। तो मैं ये कहूँगा कि फिर रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर इन गुड कंडक्टर्स। ठीक, अगर मैं टेम्परेचर डिक्रीज करता हूँ तो इनकी जो रेजिस्टेंस है वो कम हो जाएगी, ये कंडक्टर्स की बात कर रहा हूं मैं भी। ठीक है, सपोज मेरे पास में एक सिल्वर का पीस है, उसकी मैं रेजिस्टेंस कम करना चाहता हूं, तो मैं क्या करूंगा, सपोज इसकी रेजिस्टेंस इतनी है, इस पॉइंट पे रेजिस्टेंस है इसकी, और मैं इस पॉइंट से ये रेजिस्टेंस डिक्रीज करके इधर लाना चाहता हूं, तो मैं क्या करूंगा, मैं टेम्परेचर डाउन करूंगा। तो इसका मतलब अगर मैं टेम्परेचर वर्सेस रेजिस्टेंस ओम्स में लूंगा, मैं रेजिस्टेंस इसके बीच में ग्राफ बना दूं, तो जितना मैं टेम्परेचर कम करता जाऊंगा उतना रेजिस्टेंस कम होता जाएगा। ये जो ये पॉइंट है, दिस इज जीरो रेजिस्टेंस, ये पॉइंट, ये जीरो रेजिस्टेंस। मैं यही कहता हूं कि अगर मैं मेटल्स में टेम्परेचर डिक्रीज करता हूं तो इनकी रेजिस्टेंस कम होती है, लेकिन जीरो केल्विन पे पहुंचने के बाद में भी इनमें रेजिस्टेंस जीरो नहीं होती। गुड कंडक्टर्स की बात कर रहा हूं मैं, गुड कंडक्टर्स,
ठीक है, इनमें जीरो रेजिस्टेंस नहीं होती। जबकि मैंने जब सुपर कंडक्टर की बात की तो सुपर कंडक्टर में मैंने कहा कि वहां पे जीरो रेजिस्टेंस होती है, ऐसा कंडक्टर जिसमें जीरो रेजिस्टेंस टू इलेक्ट्रिकल फ्लो हो, इलेक्ट्रिकल करंट हो, उसे हम कहते हैं सुपर कंडक्टर्स। तो मैं यही कह सकता हूँ कि गुड कंडक्टर्स आर नॉट सुपर कंडक्टर्स, सुपर कंडक्टर्स कुछ अलग ही चीज़ है, ठीक है। और जो सब्सटेंसेस सुपर कंडक्टिविटी दिखाते हैं या जो सुपर कंडक्टर्स बन जाते हैं उनको हम कहते हैं कि दीज आर सुपर कंडक्ट सब्सटेंसेस, ठीक है। और इस फिनोमेनन को बोलूंगा मैं सुपर कंडक्टिविटी, ठीक है, समझ में आया। तो गुड कंडक्टर्स अलग चीज़ है, सुपर कंडक्टर्स अलग चीज़ है, बात मेरी समझ लेना। अब मैं देखता हूँ कि सुपर कंडक्टिविटी क्या है और सुपर कंडक्टर कैसे बनता है। सुपर कंडक्टिविटी, सुपर कंडक्टिविटी का मतलब क्या है आप? फिनोमेनन ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ रेजिस्टेंस टू इलेक्ट्रिकल फ्लो, समझ में आया ना? डिसअपीयरेंस ऑफ रेजिस्टेंस टू इलेक्ट्रिकल फ्लो इज कॉल्ड सुपर कंडक्टिविटी, ये याद रखना। डिसअपीयरेंस ऑफ रेजिस्टेंस टू इलेक्ट्रिकल फ्लो या इलेक्ट्रिकल करंट में बोलूंगा उसको हम कहेंगे कि ये सुपर कंडक्टिविटी। अब ये सुपर कंडक्टिविटी कहां पे होती है और ये किसने डिस्कवर की, कैसे डिस्कवर की, पहले हम ये देखेंगे। सुपर कंडक्टिविटी का जो कॉन्सेप्ट है, जो डिस्कवरी है इसकी, डिस्कवरी ये बहुत पुरानी है, कब की? 1911 में। और किसने डिस्कवर किया ये डिस्कवर किया कॉमरलिंग ओन्स ने, कॉमरलिंग ओन्स उसने डिस्कवर किया ये। कैसे डिस्कवर किया वो भी मैं बताता हूँ। मैंने आपको ऊपर कंडक्टर्स की कहानी बताई, हम रेजिस्टेंस कम कर सकते हैं बाय डिक्रीजिंग टेम्परेचर, तो कॉमरलिंग ओन्स भी कुछ ऐसा ही कर रहा था। उसने लिक्विड हीलियम लिया, लिक्विड हीलियम का टेम्परेचर आप बहुत कम ला सकते हैं, जैसे आप 4.6 केल्विन, 4.2 केल्विन तक ला सकते हैं उसका टेम्परेचर, बहुत कम टेम्परेचर। उसने क्या किया, वो एक्चुअली काम कर रहा था एचजी पे, किस पे कर रहा था, एचजी, एचजी मींस मर्करी। कॉमरलिंग ओन्स मर्करी का रेजिस्टेंस चेक कर रहा था। उसने क्या किया, उसने देखा कि जब हम टेम्परेचर डिक्रीज करते हैं मर्करी का, तो इसकी रेजिस्टेंस डिक्रीज होती जाती है, होती जाती है, होती जाती है, लेकिन एक पॉइंट ऐसा आता है कि इसकी जो रेजिस्टेंस है एकदम ज़ीरो हो जाती है, ज़ीरो यानी इस लाइन पे पहुंच जाती है ज़ीरो, ये ज़ीरो सपोज 1, 2, 3 एंड सो ऑन। ये ग्राफ है रेजिस्टेंस वर्सेस टेम्परेचर इन केल्विन, यानी जब टेम्परेचर डिक्रीज किया, कम किया, तो रेजिस्टेंस भी कम हो रही थी, लेकिन एक पॉइंट ऐसा आया कि अचानक ज़ीरो हो गया, रेजिस्टेंस अचानक ज़ीरो हो गया। मगर किस में? मर्करी में। सिल्वर में हमने देखा, सिल्वर में नहीं हो रहा था, मेटल्स में ऐसा नहीं हो रहा था, ये मर्करी में इसने देखा। तो तब से इसने कहा कि ज़ीरो रेजिस्टेंस तो आ गया, तो इसने इस चीज़ को नाम दिया सुपर कंडक्टर, यानी जिसमें रेजिस्टेंस रही नहीं, तो उसने कहा कि ये अब सुपर कंडक्टर बन गया। लेकिन सुपर कंडक्टर कब बन गया, जब इसका टेम्परेचर इसने कम किया, कितना कम, 4.2 केल्विन, लिक्विड हीलियम, लिक्विड हीलियम टेम्परेचर है, लिक्विड हीलियम, हीलियम टेम्परेचर, इस पे इसका जो मर्करी है उसकी रेजिस्टेंस बिल्कुल ही ख़त्म हो गई और वो ज़ीरो हो गई, ज़ीरो रेजिस्टेंस हो गई, ठीक, बात मेरी समझ में आ रही है। अब लिक्विड हीलियम भी कौन सा, मान लीजिए ये हीलियम जिस पॉइंट पे मेल्ट होता है वो टेम्परेचर है, ये मेल्ट, मेल्टिंग टेम्परेचर ऑफ दिस, या मैं बोलूँगा फ्रीजिंग टेम्परेचर ऑफ हीलियम, इतने कम टेम्परेचर पे उसको मिल गया। उसने कहा कि कुछ सब्सटेंसेस ऐसी हैं जिनमें अगर आप टेम्परेचर डिक्रीज करोगे तो एक ऐसा टेम्परेचर आता है जिस टेम्परेचर पे रेजिस्टेंस ज़ीरो हो जाती है, रेजिस्टेंस ज़ीरो हो जाती है। अब ये जो टेम्परेचर है, ये वाला टेम्परेचर, ये वाला पॉइंट, इस टेम्परेचर का नाम दिया गया टीसी, टीसी मतलब क्रिटिकल टेम्परेचर, यानी एक नॉर्मल कंडक्टर सुपर कंडक्टर में कन्वर्ट हो जाता है इस टेम्परेचर पे, जिस टेम्परेचर का नाम दिया क्रिटिकल टेम्परेचर, याद रखना
टीसी का मतलब रहता है क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल टेम्परेचर, या इसे और एक नाम भी कहते हैं, मैं कहूंगा इसको चेंजिंग टेम्परेचर, जहां पे कंडक्टिविटी एकदम चेंज हो गई तो मैं बोलूंगा इसको ट्रांजिशन टेम्परेचर। क्या कहूंगा मैं इसको? ट्रांजिशन टेम्परेचर। बात मेरी समझ लेना, क्लियर? बात यहां तक समझ में आई? शाबाश। अब मैं यह कह सकता हूं कि आप एक नॉर्मल कंडक्टर को सुपर कंडक्टर बना सकते हैं, लेकिन क्रिटिकल टेम्परेचर के बिलो, यानी अगर वो क्रिटिकल टेम्परेचर के बिलो है तो वो सुपर कंडक्टर है, लेकिन अगर वो अबो क्रिटिकल टेम्परेचर है तब वो नॉर्मल टेम्परेचर है। यानी इस टेम्परेचर के अबो ले जाओ तो नॉर्मल कंडक्टर, इस टेम्परेचर के नीचे आ जाओ, कम हो जाओ तो सुपर कंडक्टर। बात मेरी समझ में आई? अब अगर आप टेम्परेचर कम करेंगे, इसके बिलो ले जाएंगे तो सुपर कंडक्टिविटी में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी सुपर कंडक्टर में सबस्टेंस कन्वर्ट हो जाएगी, लेकिन अगर आप टेम्परेचर वापस बढ़ा देंगे तो ये सुपर कंडक्टर वापस नॉर्मल कंडक्टर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसका मतलब जो सुपर कंडक्टिविटी है, सुपर कंडक्टिव एस सी, ये रिवर्सिबल है। क्या है ये? रिवर्सिबल प्रोसेस, ये रिवर्सिबल प्रोसेस है। बात मेरी समझ में आई यहाँ तक? शाबाश। तो अभी तक हमने देखा कि एच जी में क्या होता है, टेम्परेचर डिक्रीज करने से उसमें सुपर कंडक्टिविटी आती है, लेकिन कितना टेम्परेचर डिक्रीज करना पड़ता है? 4.2 केल्विन तक ये लिक्विड हीलियम से हम अटेन कर सकते हैं, या फ्रीजिंग इससे लिक्विड हीलियम से हम अटेन कर सकते हैं टेम्परेचर। ठीक, यहाँ तक तो क्लियर बात समझ में आ गई। और ये इस टेम्परेचर को हम कहते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर। इस टेम्परेचर के बाद में, यानी इससे कम टेम्परेचर पे, या इस टेम्परेचर इस पॉइंट के बाद में जो ये कंडक्टर है, ये बन जाता है सुपर कंडक्टर, यानी ये बन जाता है सुपर कंडक्टर, या मैं बोलूंगा ये बन जाता है परफेक्ट कंडक्टर, परफेक्ट कंडक्टर। इसमें जीरो रेजिस्टेंस रहती है, जीरो रेजिस्टेंस। ठीक, बात मेरी समझ में आई? तो अब अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज सुपर कंडक्टिविटी, इसमें अब सुपर कंडक्टिविटी आ गई तो मैं बोलूंगा कि इसमें रेजिस्टेंस डिसअपीयर हो गई, जीरो रेजिस्टेंस आ गई। द फिनोमेनन ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस इन ए मटेरियल व्हेन इट इज कूल बिलो अ सर्टेन टेम्परेचर इज कॉल्ड सुपर कंडक्टिविटी। यानी द फिनोमेनन ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस इज कॉल्ड सुपर कंडक्टिविटी। और ये सुपर कंडक्टिविटी कब आती है? ये आती है तब जब आप इसको क्रिटिकल टेम्परेचर से बिलो लाते हैं। तो क्या क्रिटिकल टेम्परेचर हर एक का 4.2 रहेगा, हर एक सब्सटेंस का? नहीं। टीसी जो है, टीसी इट डिपेंड्स ऑन सब्सटेंस, इट वेरीज फ्रॉम सब्सटेंस टू सब्सटेंस। ये एक बात। दूसरी बात, जो गुड कंडक्टर्स है, गुड कंडक्टर्स, गुड कंडक्टर्स में मैं बताऊंगा, सपोज मेरे पास में फॉर एग्जांपल गोल्ड है, या सिल्वर है, या कॉपर है, दीज आर गुड कंडक्टर्स बट नॉट सुपर कंडक्टर्स, और नॉट सुपर कंडक्टर्स, सुपर कंडक्टर्स, और ये सुपर कंडक्टिविटी दिखाते भी नहीं है, दीज आर नॉट सुपर कंडक्टर्स, ये सुपर कंडक्टिविटी नहीं दिखाते। सुपर कंडक्टिविटी कुछ सब्सटेंस दिखाते हैं जिनमें कुछ खास चीज़ें होनी चाहिए, वो चीज़ें मैं आपको आगे बताऊंगा, ये आपको याद रखना है, रिमेंबर दिस पॉइंट। तो सुपर कंडक्टिविटी अलग चीज़ है, गुड कंडक्टिविटी अलग चीज़ है, गुड कंडक्टर अलग चीज़ है। बात मेरी समझ में आई? शाबाश। इस बात को हम ऐसे भी समझ सकते हैं, देखो मेरे पास में सपोज सिल्वर है, सिल्वर की रेजिस्टेंस कम होगी एज कंपेयर टू मरकरी। सपोज ये सिल्वर है, ये एजी, इसका मैं टेम्परेचर डिक्रीज करता हूँ, ये डिक्रीज तो होता है, लेकिन इसमें जीरो रेजिस्टेंस नहीं आती, यानी इसकी रेजिस्टेंस कम होती है विद डिक्रीज इन टेम्परेचर, मगर जीरो नहीं होता इसका, सिल्वर का। अब इसके कंपैरिजन में अगर मैं मरकरी देखूँ, मरकरी का रेजिस्टेंस इससे ज़्यादा है, देखो एच जी है यहाँ पे, एच जी का रेजिस्टेंस सिल्वर के ऊपर है, ज़्यादा है। मरकरी में जब हम टेम्परेचर डिक्रीज करते जाते एक पॉइंट ऐसा आता है जहाँ पे अचानक इसकी रेजिस्टेंस जो है वो ज़ीरो हो जाती है, कहाँ पे? 4.2 केल्विन पे, ये हमने देखा। तो इसका मतलब
पहले मरकरी की रेजिस्टेंस ज़्यादा थी एज़ कम्पेयर टू सिल्वर, लेकिन 4.2 के बाद में मरकरी में ज़ीरो रेजिस्टेंस हो गई, लेकिन सिल्वर में ज़ीरो केल्विन तक भी अगर लेके जाएंगे हम, तब भी इसका रेजिस्टेंस ज़ीरो नहीं होगा। तो इसका मतलब सुपर कंडक्टर्स अलग चीज़ है और गुड कंडक्टर्स अलग चीज़ है, गुड कंडक्टर को हम सुपर कंडक्टर नहीं बना सके। ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर है, शाबाश। अब क्वेश्चन ये आता है कि क्या सिर्फ सिल्वर ही है मरकरी ही है जो सुपर कंडक्टर बना सकता है या कोई और भी सब्सटेंस है। तो इसका आंसर मैं बताऊंगा आपको। देखो, जो हमने एचजी में देखा सुपर कंडक्टिविटी, यानी इसमें ज़ीरो रेजिस्टेंस है, अगर हमें ये मिल जाती है, ज़ीरो रेजिस्टेंस वाली चीज़ें मिल जाती है जिनमें सुपर कंडक्टिविटी आती है, तो इससे हमारे बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व होंगे। फॉर एग्जाम्पल, हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेटिस बना सकते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेटिस, यानी यूजेस अगर मैं देखूं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेटिस ये बना सकते हैं हम। इसके अलावा हमारे पास में जो हाई एनर्जी पार्टिकल फिजिक्स है उसमें बहुत डेवलपमेंट हो सकती है, हाई एनर्जी पार्टिकल फिजिक्स इसमें काम ला सकते हैं हम, इसको इसमें लाते भी हैं और मैं बताऊंगा कैसे लाते हैं, ये भी सब समझा दूंगा। इस तरह से हम ट्रांसमिशन ऑफ एनर्जी, या हमारे पास में हाई स्पीड कंप्यूटर्स है, हाई स्पीड कंप्यूटर्स ये बना सकते हैं, क्योंकि ज़ीरो रेजिस्टेंस है, पूरी की पूरी इलेक्ट्रिसिटी बचत होती है, तो एनर्जी लॉस कम हो जाएगा। एनर्जी लॉस वो डिक्रीज होगा। ठीक है, इस तरह से जो गैजेट्स में, ये हमारे पास में जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं जैसे कंप्यूटर है, मोबाइल है वगैरह, उनमें जब हम इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करते हैं तो वहाँ पे रेजिस्टेंस पैदा होती है, उससे हीट, यानी इलेक्ट्रिसिटी जो है हीट एनर्जी में कन्वर्ट होता है, हीट में कन्वर्ट होती है और हीट लॉस हो जाता है, उससे बहुत सारी एनर्जी ज़ाया हो जाती है। ठीक है, तो वो हीट लॉस बचा सकते हैं हम, एनर्जी क्राइसिस से बच सकते हैं हम, एनर्जी क्राइसिस से बच सकते हैं हम। ठीक, इसी तरह से हमारे पास में जो ट्रांसमिशन ऑफ पावर है वो ज़्यादा होगा, कर सकते हैं हम। इलेक्ट्रिकल बिल्स जो है वो बच सकते हैं, इलेक्ट्रिकल बिल्स कम आएंगे। इस तरह से जो जापान में सुपर फास्ट ट्रेन है वो इसी सुपर कंडक्टिविटी के बेसिस पे, यानी इसके प्रिंसिपल पे ही चलती है, फास्ट ट्रेन्स फास्ट कंप्यूटर्स। ठीक है, ये सब किसकी बदौलत चलती है, सुपर कंडक्टिविटी की बेसिस पे। अब देखो, मैंने आपसे कहा था कि क्या हम सिर्फ एचजी को सुपर कंडक्टर बना सकते हैं, अगर हम सिर्फ एचजी पे ही दारोमदार करते तो एचजी का जो टेम्परेचर है वो है 4.2 केल्विन, 4.2 केल्विन को अटेन करना डिफ़िकल्ट है और ये कॉस्टली भी है। बात मेरी समझ में आ रही है? मैंने ये कहा कि 4.2 केल्विन अटेन करना ये डिफ़िकल्ट है और ये कॉस्टली भी, क्योंकि इसमें आपको लिक्विड हीलियम लगेगा तो वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अब इतनी सारी जो एप्लीकेशंस मैंने बताई है, मैंने थोड़ी सी एप्लीकेशंस बताई, इन एप्लीकेशंस को मद्देनज़र रखते हुए इस पर कंडक्टिविटी पर रिसर्च अभी भी चालू है और रिसर्च हो भी गया बहुत सारा। तो रिसर्च क्या की गई, रिसर्च चल भी रही और हो भी गई थोड़ी सी। रिसर्च में देखा गया कि हम मेटल्स, एलॉयज या सिरामिक्स, इन सब को कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए कुछ स्पेसिफिक कॉन्फ़िगरेशन होनी चाहिए मटेरियल की, वो कॉन्फ़िगरेशन भी बताऊंगा मैं। तो ये जब सब चीज़ों को भी हम सुपर कंडक्टर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मरकरी का मैंने आपको बताया 4.2 केल्विन पे होता है, जबकि लेड इससे थोड़ा ज़्यादा टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर 6.2 केल्विन पे होता है। नियोबियम 9.25, ये नियोबियम जर्मिनाइड ये होता है 23 केल्विन पे। अगर आप ऐसे ये क्यूपरेट्स देखेंगे, जैसे इट्रियम क्यूपरेट है, बिस्मथ क्यूपरेट्स हैं या थेलियम कैल्शियम क्यूपरेट्स हैं, देखो इनमें 90 केल्विन, 107 केल्विन और 125 केल्विन तक हम मतलब काम करा सकते हैं। ये इसका क्रिटिकल टेम्परेचर, ये क्रिटिकल टेम्परेचर हाई है, दीज क्रिटिकल टेम्परेचर हाई
और हाई एनफ जिन पे हम काम कर सकते हैं। ये जो टेम्परेचर्स हैं दीज आर ग्रेटर देन 77 केल्विन। 77 केल्विन हमें बॉइलिंग नाइट्रोजन का भी मिल जाता है, यानी लिक्विड नाइट्रोजन जो है, लिक्विड नाइट्रोजन पे हम काम कर सकते हैं। लिक्विड नाइट्रोजन ये हम अटेन कर सकते हैं दीज टेम्परेचर्स। इसीलिए इन सुपर कंडक्टर्स को, ये जो आपके पास में सिरामिक्स दिख रहे हैं, दीज आर सिरामिक्स मिक्सड ऑक्साइड्स, इनको मैं कहूँगा दीज आर हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टर्स। यानी इनसे हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती, इनको थोड़ा सा आसान है ऑपरेट कराना, जबकि लिक्विड हीलियम पे ऑपरेट कराना मुश्किल है और कॉस्टली है। बात समझ में आई? तो ये बात याद रखना, अगर आपसे कोई पूछे कि हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टर्स क्या है, तो उससे कहना कि वो सुपर कंडक्टर्स जो लिक्विड नाइट्रोजन पे भी सुपर कंडक्टर्स काम कर सकते हैं, उनको कहते हैं हम हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टर्स। ठीक है, अब और एक चीज़, सुपर कंडक्टर्स की जनरल फीचर्स क्या है, यानी क्या क्या फीचर्स रहते हैं इसमें, ये मैं बताता हूँ। वो जनरल फीचर्स, कुछ इम्पोर्टेंट फीचर्स बताऊँगा मैं आपको। देखो, पहला फीचर, अगर हमारे पास में सुपर कंडक्टर मेटल ढूंढना हो, तो सुपर कंडक्टर मेटल्स जो रहते हैं, मेटल्स, इनमें वो मेटल्स आते हैं जिनमें नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2-4 रहते हैं। इस तरह के मेटल्स एक्ट कर सकते हैं सुपर कंडक्टर। समझ में आया? और जो गुड कंडक्टर्स हैं, गुड कंडक्टर्स जो हमारे पास हैं, उनको आप सुपर कंडक्टर्स नहीं बना सकते, वो सुपर कंडक्टर में कन्वर्ट नहीं होते। ठीक, ये बात समझ में आई? तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 2-4 होना चाहिए मेटल्स में, तो वो सुपर कंडक्टर बन सकता है। क्लियर? दूसरा फीचर, जो क्रिटिकल टेम्परेचर है, इट वेरीज फ्रॉम सब्सटेंस टू सब्सटेंस। एक सब्सटेंस से दूसरी सब्सटेंस में वेरी होता है, जैसे यहां पे मैंने दिखाया, हर एक का अलग अलग क्रिटिकल टेम्परेचर है। ये बात समझ में आई? और एक खास फीचर जो मैं इसके बारे में बताऊंगा आपको, सुपर कंडक्टर्स जो रहते हैं, सुपर कंडक्टर्स वो रहते हैं डायमैग्नेटिक इन नेचर। यानी अगर आप एक सुपर कंडक्टर सब्सटेंस लेंगे, उसके थ्रू मैग्नेटिक लाइन्स या मैग्नेटिक फ्लक्स आप पास करना चाहेंगे, तो इसके थ्रू पास नहीं होगा, वो रिपल होके ऐसे बाहर से जाएंगी, वो मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स। ये मैग्नेटिक फील्ड को रिपल करता है, ये मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स को अपनी बॉडी के थ्रू पास होने नहीं देता। कौन? सुपर कंडक्टर। तो याद रखना, सुपर कंडक्टर जो रहते हैं वो क्रिटिकल टेम्परेचर के बिलो काम करते हैं और डायमैग्नेटिक रहते हैं। बात मेरी समझ लेना। यानी अगर आप टेम्परेचर रखते हैं लेस देन क्रिटिकल टेम्परेचर, तो सब्सटेंस बनेगी सुपर कंडक्टर एंड डायमैग्नेटिक। तो सुपर कंडक्टर्स आर डायमैग्नेटिक इन नेचर। अगर आप टेम्परेचर रखते हैं ग्रेटर देन क्रिटिकल टेम्परेचर, तो ये सुपर कंडक्टर जो ये नॉर्मल हो जाते हैं, यानी ये कन्वर्ट हो जाते हैं नॉर्मल कंडक्टर्स में, और डायमैग्नेटिक भी नहीं रहते। यानी बाद में आप उनके थ्रू लाइन्स, मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स पास करा सकते हैं। ठीक, तो ये एक बात। दूसरी बात, अगर आप सुपर कंडक्टर ले रहे हैं और इसमें मैग्नेटिक फील्ड पास कर रहे हैं, अगर लो मैग्नेटिक फील्ड है तो वो रिपल हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं। लेकिन अगर आपने फील्ड बढ़ा दिया, यानी अगर आपने फील्ड बढ़ा दिया, हाई मैग्नेटिक फील्ड, याद रखना हाई मैग्नेटिक फील्ड, फिर क्या होता है? हाई मैग्नेटिक फील्ड इस सुपर कंडक्टिविटी को डिस्ट्रॉय करता है। मैं कहूँगा डिस्ट्रॉयज सुपर कंडक्टिविटी। यानी सुपर कंडक्टिविटी को आप डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, किससे? हाई मैग्नेटिक फील्ड से। इस तरह से अगर आप हाई टेम्परेचर लेंगे, हाई टेम्परेचर, तो उससे भी आप सुपर कंडक्टिविटी को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। बात समझ में आई? यानी अगर आप टेम्परेचर क्रिटिकल टेम्परेचर के ऊपर लेके गए, तब भी सुपर कंडक्टिविटी डिस्ट्रॉय, और अगर आप मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा दिए एक पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर, जिसको हम कहते हैं क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ना, इसको हम कहेंगे
ग्रेटर देन क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड, यानी इस मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर अगर आप लेके गए तब वो मैग्नेटिक फील्ड ना कि सिर्फ इसके थ्रू पास होगा बल्कि इसके साथ में इसको डिस्ट्रॉय भी करेगा, सुपर कंडक्टिविटी को डिस्ट्रॉय ही करेगा। तब वो ये नहीं मानेगा कि लाइन्स ऑफ फोर्स को पास होने दे रहा है कि नहीं होने दे रहा, तो वो खुद ब खुद इसके थ्रू पास हो जाएंगे और इसकी जो सुपर कंडक्टिविटी है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी। इन्हें सुपर कंडक्टर जो बेचारा है ये भी लोअर मैग्नेटिक फील्ड को बर्दाश्त करता, हायर मैग्नेटिक फील्ड को बर्दाश्त नहीं करता। बात मेरी समझ में आई? शाबाश। इसी तरह से मान लीजिए मेरे पास में एक सुपर कंडक्टर है, इसके थ्रू मैं करंट पास कर रहा हूँ, करंट तो इसके थ्रू पास होगी, फास्ट पास होगी, क्लियर, और पास होती जाएगी। लेकिन अगर करंट डेंसिटी बढ़ गई, यानी करंट हमने ज़्यादा इसके थ्रू पास कराया, ठीक है, इफ करंट मैं लिखूंगा आई, इफ इट इज ग्रेटर देन क्रिटिकल करंट डेंसिटी, अगर इससे ज़्यादा है तो तब ये डिस्ट्रॉय करता है, किसको, डिस्ट्रॉयज सुपर कंडक्टिविटी, तब भी सुपर कंडक्टिविटी डिस्ट्रॉय होती है। इसी तरह से लाइट अगर आपने ज़्यादा डाल दी तब भी वो सुपर कंडक्टिविटी को डिस्ट्रॉय करता है, क्लियर। तो ये बात मेरी ध्यान से सुनना, तो सुपर कंडक्टिविटी के लिए जो सुपर कंडक्टर रहते हैं उनमें आपको कुछ चीज़ों का ख्याल रखना है। एक ख्याल रखना है आपको, सपोज आपका मटेरियल है, आपको ये क्रिटिकल टेम्परेचर है, क्रिटिकल टेम्परेचर या क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड है, तो आपको इसके अंदर सब्सटेंस को रखना है, यानी मैग्नेटिक फील्ड भी कम होना चाहिए इससे कम, और टेम्परेचर भी क्रिटिकल टेम्परेचर से कम होना चाहिए, तब वो बनेगा सुपर कंडक्टर। क्या बनेगा? सुपर कंडक्टर। अगर आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया या मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा दिया तब वो नॉर्मल कंडक्टर बिहेव करेगा, नॉर्मल कंडक्टर। बात मेरी समझ में आ रही है? शाबाश। इसी तरह से मैंने आपसे कहा क्रिटिकल करंट, यानी अगर आपको सुपर कंडक्टर बनाना है तो आपका जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर वो लेस देन होना चाहिए क्रिटिकल टेम्परेचर, एक। दूसरा, आपका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो होना चाहिए लेस देन क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड। आपका जो करंट है, करंट डेंसिटी, वो लेस देन होना चाहिए क्रिटिकल करंट डेंसिटी, ठीक। क्रिटिकल करंट डेंसिटी का मतलब अबोव विच द करंट डेंसिटी, अबोव विच सुपर कंडक्टिविटी इज डिस्ट्रॉयड। क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड का मतलब द मैग्नेटिक फील्ड अबोव विच, मैग्नेटिक फील्ड अबोव विच दिस सुपर कंडक्टिविटी इज डिस्ट्रॉयड। इस तरह से टेम्परेचर, द टेम्परेचर अबोव विच सुपर कंडक्टिविटी इज डिस्ट्रॉयड, यानी मैं कहूँगा कि ऐसे टेम्परेचर मैग्नेटिक फील्ड और क्रिटिकल करंट जिनके ऊपर आप ले जाएंगे तो सुपर कंडक्टिविटी डिस्ट्रॉय, इनके नीचे ले जाएंगे फील्ड तो सुपर कंडक्टिविटी जिंदाबाद। बात मेरी समझ में आई? यानी जिंदा रहती है। यहाँ तक तो क्लियर है, ये हो गया। अब एक लास्ट पॉइंट जो मैं आपको बताऊँगा, मैंने आपको करंट डेंसिटी के बारे में बताया, अगर मैं एक क्लोज लूप लेता हूँ और इसको वोल्टेज देता हूँ, क्या देता हूँ इसको, वोल्टेज। मान लीजिए ये एक क्लोज लूप लिया मैंने, इसको मैंने यहाँ पे वोल्टेज दिया, वोल्टेज देने के बाद में, वोल्टेज देने के बाद में इसमें करंट फ्लो होगी। अब इसमें रेजिस्टेंस तो नहीं है, सुपर कंडक्टर, ये रेजिस्टेंस जीरो है। अगर मैं ये वोल्टेज हटा दूं तो करंट जो है, करंट इसमें परसिस्ट करती है, यानी रह जाती है, परसिस्टस, यानी करंट फ्लो होती रहेगी इवन आफ्टर रिमूविंग दिस वोल्टेज, इवन आफ्टर रिमूविंग वोल्टेज। याद रखना, वोल्टेज रिमूव करने के बाद में भी इसमें करंट चलती रहेगी, ये सुपर कंडक्टिविटी की खास बात है, सुपर कंडक्टर्स की खास बात है, ठीक है। तो आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा, ठीक है। तो फिलहाल आज इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए फिलहाल बाय।